वजीर आजम अनवारुल हक काकर साहब 8 दिन के लंबे टूर पर, मिडल ईस्ट के टूर पर रवाना हो चुके हैं और उनकी तस्वीर वायरल हो रही है कि वो जब अबू धाबी पहुंचे हैं तो उन्होंने डेनिम जीन्स पहनी हुई है। पाकिस्तान में 76 ईयर्स के बाद पहला हिंदू एयरफोर्स पायलट मिला है। आई एम सॉरी बट पाकिस्तान ने अपने लिए खुद के इतने गड्ढे खोद रखे हैं ना कि आई डोंट थिंक यू नीड एन एनिमी। बनू के इलाके बका खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बम्बार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से खुद को टकरा दिया, जिसके नतीजे में 2 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 7 शहरी और 3 सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने ये इन्वेस्टिगेशन के बाद दावा किया है कि जिस शख्स ने वो खुद को हमला किया था उसकी जो शहरियत थी या वो अफगान नेशनल था और उसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। और ये जो इतना चिल्ला रहे हैं हमास हमास फलस्तीन फलस्तीन, भैया तौर में तौरात पहले आया था, तौरात जबूर इंजील बाइबल कुरान, तब कुरान आया है। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब कभी हिंदुओं को छीना जाता है, मतलब चोरी डकारी ये वो, और कभी किडनैपिंग ये वो चीजें होती रहती हैं। और कह रहे हैं अरे हमास हमास चले जाओ ना, भैया जाते क्यों नहीं हो, अल्लाह अकबर के नारे पे 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह के नाम पर 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह खुश हो जाएगा, जन्नत में 72 वर्जिन हूर दे देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई है पाकिस्तान से और वो ये है कि अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में एक हिंदू पायलट बन गए हैं, जिसे लेकर के दोस्तों अब पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। क्योंकि दोस्तों जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है 76 ईयर्स में पहली बार है जब पाकिस्तान के वायुसेना में किसी भी हिंदू पायलट की एंट्री हुई हो। जबकि दोस्तों जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब पाकिस्तान में हिंदुओं की 21% आबादी रहती थी, लेकिन अब घट करके 1% हो गई है और इसके साथ साथ किसी भी पाकिस्तान के बड़े होदों में आपको हिंदू नहीं दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपको हमेशा दिखाई देगा पाकिस्तान भारत को और पूरी दुनिया को माइनॉरिटीज का लेक्चर देता रहता है, लेकिन खुद अपने देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहीं भारत की तरफ देखें तो भारत में कई सारे बड़े बड़े पोस्ट पर मुसलमान आपको बहुत ही अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी एक मुसलमान रह चुके हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखें। नाजिया जी, अपने कंट्री में हिंदू परेशान और चिंता गाजा की। ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड 98 हिंदू जर्नलिस्ट शॉट डेड, उनको शूट करके मारा गया, जिसका मैटर उठने ही देते हैं पाकिस्तान के मीडिया वाले। अब मैंने 2 बार काफिर सुन लिया, तो आप पहले इसके बारे में रोहित जी सुनिए, मैं तो आपको भाई बोलती हूँ, बड़ा भाई बोलती हूँ, सिर्फ एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हम लोग। आप जब मरिएगा ना तो मैं आपके लिए जहन्नुम की दुआ करूंगी, नर्क की। ये मेरा इस्लाम कहता है, फी नारे जहन्नम, आपको नर्क मिले। एक थाली पर हम दोनों भाई बहन खाए हैं, एक ग्लास में पानी पिए हैं, और उसके बाद जब आप मरिएगा तो मैं आपको नर्क में भेजूंगी, ये मेरा इस्लाम कहता है। और अगर मैंने नहीं कहा तो मैं इस्लाम की मानने वाली ही नहीं रहूंगी। अब बार बार काफिर काफिर काफिर, भैया इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए बजरंग दल आया था या मोदी जी आए थे या रोहित भाई आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हजरत अली को मारने के लिए बजरंग दल आया था ना आरएसएस वाला आया था? मुझे तो जानना है, आई एम सो मच इंसेंसिटिव, मुझे पहचान, मुझे बताया जाए कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर खाबिंद को, हजरत अली को तलवार से कलेजा जब चीरा गया था, बगल के नमाजी ने चीरा था, तो वो बजरंग दल वाला था या मोदी जी थे या रोहित भाई थे? अरे काफिर किसको बोल रहे हो, कुरान कह रहा है अल जिहाद, कुरान कह रहा है गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, और जो भी अल्लाह के अलावा किसी और को पूजेगा उसको कत्ल करना जायज है। कुरान कह रहा है कि औरतों को, लौंडियों को और बांदियों को लूटा जाए, तो औरत और बांदी को क्या किस तरीके से लूटा जाएगा? वैसे ही लूटा जाएगा जो नासिर खान और कादिर खान ने बीच रोड पर बलात्कार करके लूटा।
ये सनातनियों को, ये अदर कास्ट को बेवकूफ बनाते हैं इस्लामिक वर्ड बोल करके। अरे हमने तो निकाह मुत्ता किया है 9 साल की बच्ची से। अरे निकाह मुत्ता है क्या? 9 साल की बच्ची को प्लेजर ऑफ सेक्स के द्वारा अंदर निकाह में लेना और 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए उसके साथ सेक्स करना और फिर उसको तलाक दे देना, दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेजर सेक्स। और इसको अरबिक में निकाह मुत्ता बोला जाता है। ये जो इमाम मौलवी जो टोपी पहन करके दाढ़ी लगा करके जो निकलता है, हम फितरा लेने निकले हैं, हम जकात लेने निकले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भीख है, भीख है। और ये जो इतना चिल्ला रहे हैं हमास हमास फलस्तीन फलस्तीन, भैया तौर में तौरात पहले आया था, तौरात जबूर इंजील बाइबल कुरान, तब कुरान आया है। तौरात में बनी इसराइल के बारे में पहले ही बता दिया गया, तो 2,500 साल पुराना तो ये इसराइल है। ये सुन्नी जमात जो अहले सुन्नत है, जो सुन्नी मुसलमान जैसे मैं हूँ, मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, बहुत बाद में आई हूँ, मुझे कोई मुसलमान बता तो दे, मैं चैलेंज देती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम कुरान में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था। पहली तो उनकी बेबी बेबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्होंने जो यहूदी थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं? बड़े मजे में शियाओं की मस्जिदें तोड़ते हैं, वहाबियों की मस्जिदें तोड़ते हैं या पाकिस्तानी, अहमदियों की मस्जिदें तोड़ते हैं या पाकिस्तानी, 150 साल की मंदिरें तोड़ करके उड़ा दिया, भूसा भूसा बना दिया और कह रहे हैं अरे हम्मास हम्मास चले जाओ ना। भैया जाते क्यों नहीं हो? अल्लाह अकबर के नारे पे 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह के नाम पर 2-4 बलात्कार कर लो, अल्लाह खुश हो जाएगा, जन्नत में 72 वर्जिन हूर दे देगा। सच बोलने में प्रॉब्लम क्या है? सच बोलने में प्रॉब्लम कहां पर है? 4 बीवियां रखो, यही तो मुफ्ती तारिक मसूद हर वक्त बोलते रहता है। और अगर फलस्तीन से इतनी मोहब्बत है तो ये व्हाट्सएप क्यों नहीं बंद किया मुफ्ती तारिक मसूद ने? मुफ्ती तारिक जमील ने क्यों नहीं बंद किया व्हाट्सएप? क्यों यूट्यूब पर अपना पैसा कमा रहा है डॉलर डॉलर? क्यों नहीं ये हराम की कमाई बंद कर रहा है ये सारा इस्लामिक प्रेचर? गजवाई हिंद करेंगे, गजवाई हिंद करेंगे, भैया पहले गजवाई रोटी कर लो। इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हो। जो चाइना दाढ़ियां नोच रहा है, जो चाइना मुसलमानों के सर से इस्लामिक भूत उतार रहा है, जो चाइना मस्जिदों को तोड़ करके हगने की जगह बना रहा है, उस चाइना को हम आंखा बना के रखेंगे? उस चाइना के बारे में बात नहीं करेंगे? और भारत जहां पर 21 करोड़ मुसलमान शान से मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हैं, वहां पर मुसलमान डिप्राइव है, मुसलमान डिप्राइव है। भैया मुसलमान डिप्राइव नहीं है, मुसलमान सीना चौड़ा करके भारत में रह रहा है। जनाब इस वक्त जो खबरें मैं आपके सामने रख रही हूँ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीएम काकड़ के विजिट की। 8 to 10 days, एक वीक से ज्यादा लॉन्ग विजिट है ये उनका मिडल ईस्ट का। इसमें बहुत सारी उनकी एंगेजमेंट्स हैं, अभी आपको बताते हैं कौन कौन से कंट्री में। वो कुवैत जाएंगे, अबू धाबी, यूएई, और वहां पर वो किस किस से मिलेंगे, और सीओपी में उन्होंने अटेंड करनी है, वो भी आपको बताएंगे सब बातें। लेकिन उनकी पता नहीं क्या बात है कि पीएम काकड़ साहब जब से आए ना, तो उनकी हर बात जो है टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। अब टॉक ऑफ द टाउन एक तो होती है अच्छी बात बनना, और एक होता है कि वो मतनाज़े बन जाना। तो अब ये हुआ है कि उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और उसमें जो है वो दिखा जा सकता है कि जब वो अबू धाबी पहुंचे हैं तो उन्होंने डेनिम जीन्स वेयर की हुई है, और उनको हम सोच रहे थे कि पता नहीं उनको वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको बहरहाल हो सकता है ये तरीकाकार उनको जस्टिस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो लेने के लिए वहां पे उन्होंने उनको वेलकम किया। लेकिन ये जो जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करेंगे, देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे है और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए? कुछ लोगों ने उसे ये कहा कि वो रिलैक्सिंग मूड में है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो जाता है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। स्मार्ट लग रहे हैं, ये लग रहे हैं बड़ा।